हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल एसएसटी क्लासेस ऑफ आरडीएस ग्रुप ऑफ स्कूल। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास सिक्स एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर पंचायती राज। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अ प्रीवियस चैप्टर अबाउट की एलिमेंट्स ऑफ द डेमोक्रेसी। सो दिस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी in our country. So panchayati raj, so what happens after people elect their representatives? So representatives ko select karne ke baad people jab elect kar liye jate hain to kya hota hai, how are decisions made, decisions kaise bante hain, kaise liye jate hain, let's look at how that takes place in rural areas. To aaiye hum dekhte hain ki ये रूरल एरियाज़ में भी इन्हें किस तरीके से लिया जाता है। हेयर वी लुक एट द ग्राम सभा, यहाँ पर हम जो देखेंगे वो ग्राम सभा के बारे में देखेंगे, विच इज़ अ मीटिंग वेयर पीपल डायरेक्टली, जहाँ पर जो मीटिंग होती है वहाँ पर डायरेक्टली पीपल पार्टिसिपेट करते हैं, एंड सीक आंसर्स फ्रॉम देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और तुरंत ही उसके आंसर्स देते हैं जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। सो इट्स अ स्पेशल डे टुडे, एवरी वंस रशिंग टू गेट द ग्राम सभा, इट्स अ स्पेशल डे टुडे। सो आज का जो दिन है वो स्पेशल डे है, एवरी वंस रशिंग टू गेट टू द ग्राम सभा, सभी लोग एक की जो भीड़ है वो ग्राम सभा में जाती है, दिखती है। Do you know why? ऐसा क्यों, आप जानते हैं ऐसा क्यों है? Because the Gram Sabha is holding its first meeting. क्योंकि जो ग्राम सभा होती है वो सबसे पहले मीटिंग होल्ड करती है आफ्टर द इलेक्शन ऑफ न्यू ग्राम पंचायत, जब भी ग्राम पंचायत का नया का जो इलेक्शन होता है वो मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन वो ही इसे होल्ड करता है। सो द ग्राम सभा इज़ अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय द पंचायत, ग्राम सभा में जो मीटिंग होती है उसमें सभी एडल्ट्स होते हैं जो उस पंचायत के थ्रू एरिया को कवर किए होते हैं। दिस कुड बी ओनली द विलेज और फ्यू विलेजेस, इसमें सिर्फ केवल एक गांव और कुछ विलेजेस कुछ गांव ही हो सकते हैं। इन सम स्टेट्स एज इन द एग्जाम्पल, कुछ स्टेट्स में से एग्जाम्पल में दिया गया है, अ विलेज मीटिंग इज़ हेल्ड फॉर ईच विलेज, एनी वन हु इज़ 18 ईयर्स, जो भी 18 ईयर्स का होता है या उससे ज़्यादा होता है उसके पास पूरा राइट होता है जो कि ग्राम सभा का मेम्बर बने। सो द पीपल ऑफ हरदास विलेज आर कीन टू फाइंड आउट व्हाट देयर न्यू पंचायत, अब हरदास जो है अपने विलेज में क्या फाइंड कर रहा है कि न्यू पंचायत का जो लीडर है उसने विलेज के लिए क्या प्लान किया। ग्राम सभा, नाउ फर्स्ट वी विल स्टार्ट इट विद ग्राम सभा। ग्राम सभा मीटिंग बिगिंस विद द पंचायत प्रेसिडेंट, ग्राम सभा की मीटिंग की जो शुरुआत होती है वो पंचायत प्रेसिडेंट के साथ होती है, जो हु इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सरपंच, जिसे कि सरपंच भी कहा जाता है, एंड द मेम्बर्स ऑफ द पंचायत, और वो पंचायत का मेम्बर होता है द पंच, जिसे कि पंच कहा जाता है। पंच क्या करते हैं, पंच प्रेजेंटिंग अ प्लान और रिपेयरिंग द रोड एंड कनेक्ट्स द विलेज टू द मेन हाईवे, ये पंचेस जो होते हैं ये प्रेजेंट करते हैं रोड और विलेज की कनेक्टिविटी और उसे रिपेयरिंग कराने का काम, जो कि मेन हाईवे का होता है। आफ्टर दिस द डिस्कशन, अब इसके इस डिस्कशन के बाद मूव टू सब्जेक्ट ऑफ वाटर एंड वाटर शॉर्टेजेस, इसके बाद वाटर और वाटर शॉर्टेजेस का सब्जेक्ट होता है इनके लिए। देन एवरी विलेज पंचायत इज़ डिवाइडेड इन टू वार्ड्स, हर एक विलेज पंचायत में जो होते हैं वो वार्ड्स में डिवाइड होते हैं,
स्मॉलर एरियाज। ईच वार्ड इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव, और हर एक वार्ड से रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट होता है जिसे कि वार्ड मेंबर और पंच कहते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट अ सरपंच, और जितने भी मेंबर्स होते हैं ग्राम सभा के वो सरपंच को इलेक्ट करते हैं एज अ पंचायत प्रेसिडेंट। द वार्ड पंचेज एंड द सरपंच फ्रॉम द ग्राम पंचायत, द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर। और ये जो वार्ड पंच होते हैं और जो सरपंच होते हैं ग्राम पंचायत के, ग्राम पंचायत में जो इलेक्ट होते हैं वो 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं। द ग्राम पंचायत हैज़ अ सेक्रेटरी हु इज़ ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। जो ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी होगा वो ग्राम सभा का सेक्रेटरी भी होगा। दिस पर्सन इज़ नॉट एन इलेक्टेड पर्सन बट इट इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। ये पर्सन के थ्रू इलेक्ट नहीं होते हैं लेकिन गवर्नमेंट के थ्रू ये अपॉइंट किए जाते हैं। द सीक्रेटली इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग, और ये जो सेक्रेटरीज होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्राम सभा की मीटिंग के लिए एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स। और ये ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को बुलाया जाता है अगर कोई भी चीज़ों की प्रोसीडिंग होती है इसका रिकॉर्ड बनाने के लिए। इज दैट क्लियर क्लास? देन अ विलेजर कॉल्ड तीजिया, विलेजर कॉल्ड तीजिया बिगिंस द मीटिंग बाय सेइंग द वाटर प्रॉब्लम इन हरदास हैज़ बिकम वेरी एक्यूट। तो विलेजर कहते हैं तीजा से कि मीटिंग में कह रहे हैं कि द वाटर प्रॉब्लम इन हरदास, वाटर की जो प्रॉब्लम है हरदास हैज़ बिकम वेरी एक्यूट, जिसमें हरदास बहुत ही ज़्यादा एक्यूट है। द हैंडपम्प वाटर हैज़ गॉन वेल बिलो द पॉइंट अप टू द विच द ग्राउंड हैज़ बीन ड्रिल। अब हैंडपम्प का जो पानी है वो आराम से नीचे चला जाता है ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड नीचे ड्रिल्ड है। वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप्स, और हमें बहुत ही हार्डली वाटर मिल पाता है इन नलों से। वुमेन हैव टू गो टू द सुरू, वुमेन क्या करती हैं सुरू रिवर में जाती हैं विच इज़ इन 3 किलोमीटर अवे टू गेट वाटर, जहाँ से वो 3 किलोमीटर चलकर जाती हैं और वहाँ से वाटर लाती हैं। वन ऑफ द मेंबर्स सजेस्ट पाइपिंग वाटर फ्रॉम द सुरू, सभी मेंबर्स में से हर एक ने सजेस्ट किया कि जो वाटर पाइपिंग की लाइन है फ्रॉम सुरू एंड मूव ओवरहेड टैंक इन द विलेज टू द इंक्रीज द सप्लाई। सुरू पाइपिंग वाटर के थ्रू सुरू में एक ओवरहेड टैंक बना दिया जाए जिससे कि विलेज में वाटर की जो सप्लाई है इसे इंक्रीज किया जाए। बट द अदर थिंग्स, लेकिन अदर थिंग्स में जो कि दैट दिस विल बी एक्सपेंसिव, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होगा, इट्स बेटर दे फील टू डीपन द हैंडपम्प, इसलिए यही बेटर है कि हम हैंडपम्प से ही लाएं एंड क्लीन द वेल्स टू दिस सीजन, इसलिए वेल्स को क्या कर लिया जाए क्लीन कर लिया जाए। तीजिया सेज, तीजिया क्या कह रहा है, तीजिया का कहना है दिस इज़ नॉट इनफ, ये इनफ नहीं है, वी नीड टू डू समथिंग, हमें और भी कुछ करने की ज़रूरत है। मोर परमानेंट एज ग्राउंड वाटर लेवल सीम टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा परमानेंट ग्राउंड वाटर लेवल को तक लाना होगा हर साल, क्योंकि पानी जो है वो नीचे चला जाता है। वी आर यूजिंग मोर वाटर देन इज सीपिंग इन टू द ग्राउंड, और हम इस वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते। अनदर मेंबर अनवर, अनदर मेंबर क्या कह रहा है, अनदर मेंबर अनवर देन टेल्स एवरीवन दैट ही हैज सीन वेज टू कंजर्विंग वाटर एंड रिचार्ज। तो अनवर कहता है कि ये कंजर्विंग वाटर और रिचार्जिंग का जो काम है इसे
ये एक रास्ता है। इन द विलेज इन महाराष्ट्र वेयर ही हैड वंस गॉन टू विजिट हिज ब्रदर, क्योंकि जब वो महाराष्ट्र गया था तो उसने वहाँ पर एक बार विजिट किया था अपने भाई के साथ। इट वॉज कॉल्ड अंडर वाटर शेड डेवलपमेंट, और वो वाटर शेड डेवलपमेंट कहलाता था। एंड ही हैड हियर्ड दैट द गवर्नमेंट गेव मनी फॉर दिस वर्क, और गवर्नमेंट ने जब उसने ये सुना तो उसने गवर्नमेंट ने उसे इसका पैसा दिया था। सो इन हिज ब्रदर्स विलेज पीपल हैड प्लांटेड ट्रीज, और फिर उसके भाई जो थे विलेज में जो लोग थे उन्होंने ट्रीज भी प्लांट किए। कंस्ट्रक्टेड चेक डैम्स एंड टैंक्स, और कई जगह डैम्स बनाए गए और टैंक्स बनाए गए। एवरीवन थॉट दिस वाज एन इंटरेस्टिंग आइडिया, और लोग मोस्टली लोगों ने सोचा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है। एंड ग्राम पंचायत वाज आस्क्ड टू फाइंड आउट अबाउट इन इट डिटेल। देन जो भी वहाँ का ग्राम पंचायत का मेंबर था उससे पूछा गया कि इसे फाइन करिए इस डिटेल को लाने के लिए। सो आई होप एवरीबडी हैज़ अंडरस्टूड दीज पॉइंट्स अबाउट पंचायती राज। सो फ्रॉम टुमारो आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पैरा इन दिस चैप्टर। नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।